चाहते हैं आप इसमें? मैंने स्पीकर साहब को ध्यान आकर्षण किए हैं कि जिस ढंग से हमारे राहुल जी की सदस्य पद को समाप्त किया गया, उसमें मुझे ये लगा कि पिछले सदनों में इस तरह की घटना घटने के बावजूद जो नहीं हुआ, हमारे स्पीकर साहब ने ये कदम उठाया। तो मैंने ऐसा कोई बात नहीं की, मैंने ये कहा कि ये मुद्दे को लेकर सदन के अंदर एक विस्तार से चर्चा कहिए, बहस कहिए, होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके की तुरंत और त्वरित की गति अपनाते हुए कार्रवाई किए गए हैं, उसमें से मुझे नहीं सारा हिंदुस्तान में पार्लियामेंट की कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं। तो इससे निपटने के लिए एक बार खुले चर्चा होना जरूरी है, ये इसलिए मैं स्पीकर साहब से ये मांग रखे हैं। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री है वो सामने आए, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, पार्लियामेंट चलने नहीं दी जा रही, काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के नेता आते हैं, विपक्ष के नेता आते हैं, इसलिए राहुल गांधी को सत्कार करने के लिए, सत्कार देने के लिए ऐसा हो रहा है। और जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था तो उस वक्त ह्यूरोक्रेसी करी थी, और बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग समझते हैं कि गांधी परिवार फर्स्ट क्लास सिटीजन है और हम लोग सेकंड क्लास सिटीजन है। ये बोल सकते किसी ने, क्योंकि खुद जो महाराज है वो महाराज जानते हैं कि फर्स्ट क्लास सिटीजन और सेकेंड क्लास सिटीजन के अंतर महाराज को बखूबी जानते हैं, क्योंकि महाराज जब अपने क्षेत्र में गुजारते हैं तो पीछे पीछे जमीन से माथा टेकने के लिए ये निर्देश दिए भी जाते हैं, यह सुना है हम लोग। और ये महाराज ये फर्स्ट क्लास ये सेकेंड क्लास सिटीजन होते होते ही कांग्रेस पार्टी की दया से, मदद से, ये एक पॉलिटिकली मतलब सियासी क्षेत्र में उनको बड़ा मतलब उनका कद बढ़े, और सदन के अंदर जब वो विपक्ष में बैठते थे उनको खुद ये जानकारी शायद होंगे कि सदन के अंदर उनकी अगुवाई में भी बहुत सारे विरोध हो चुके हैं। तो आज वो सत्ता पक्ष चले गए कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ के, तो उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के लिए ढोल बजाना जरूरी है, इसलिए चुन चुन के उसी लोगों से ही ये ढोल बजाना बजाए जाते हैं, ढिडोरा पिटाए जाते हैं, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, ये तत्वहीन है, आधारहीन है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के ये लगा होंगे कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को अगर कांग्रेस के खिलाफ उतारा जाए तो ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। तो मैं इसलिए हमारे मित्रों ज्योतिरादित्य भाई को जरूर यह कहूँगा, मतलब मंत्री ज्योतिरादित्य को, महाराज ज्योतिरादित्य को यह कहना चाहते हैं कि आप खुद बताइए कि क्यों हमारा ये मांग नाजायज है, जेपीसी की मांग क्यों नाजायज है, आप थोड़ा हम लोगों को समझा दीजिए। काले कपड़े पहनने पर भी उन्हें आपत्ति है, उन्होंने कहा काले कपड़े हर किस्म के होते हैं, मोदी जी के साथ जो सिक्योरिटी जाते हैं उनका भी काले कपड़े होते हैं, साथ सफेद तो नहीं होते, काले कपड़े हमारे प्रोटेस्ट है, रंग से क्या मतलब, हर रंग हमारे लिए प्यारा है, कभी किसी रंग के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है हमारे, हम सारे ये भगवा से मोहब्बत होगी और बाकी चीज़ों से मोहब्बत नहीं होगी, क्या हिंदुस्तान के लोग ये मानते हैं? अब काली माता को देखिए, उनका भी तो काली रंग होते हैं, आप अपने बाल को देखिए, हम सबसे ज्यादा पसंद करते कि अपना बाल काले रहे, बाल अगर सफेद होते जाए तो दुख होता है कि अरे हमारा उम्र बढ़ते जा रहे हैं, हमारे कुछ कमियां निकलने वाला है, तो काले रंग मतलब ये तो एक हमारे लिए एक बड़ा अलंकार होते हैं, काले रंग अगर बाल से हट जाए आपको दुखद होगी। सर, एक और आपके पूर्व नेता जो है गुलाम नबी आजाद साहब, कल उन्होंने एक बहुत तारीफ करी प्रधानमंत्री मोदी की कि मैं विपक्ष में रहते हुए तमाम सवाल उठाए लेकिन कभी द्वेष की राजनीति उन्होंने नहीं करी, और करंट की कांग्रेस लीडरशिप पे जो है वो सवाल उठाया और ये कहा कि नेहरू जी में, इंदिरा जी में
एक कनेक्ट था पब्लिक के साथ, उनकी रिस्पेक्ट थी, पावर था पब्लिक के साथ उनका कनेक्ट था, लेकिन मौजूदा जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का उनको मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी की मतलब कन्याकुमारी से जो कश्मीर जो यात्रा किए हैं उस यात्रा के दौरान कितने लोगों से कनेक्टिविटी हो चुके थे, कितने लोगों से राहुल गांधी कनेक्ट हो चुके हैं उसका जरा वीडियो कम से कम वो देख लिया करें। और जब कश्मीर में घुसे थे जम्मू होते हुए उनके अपनी इलाका होते हुए तब भी वहां के आम लोगों को पूछ ले कि राहुल गांधी के साथ वहां के आम लोग कनेक्ट किए या नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की थाली में खाए हो, कांग्रेस पार्टी की मदद से बड़े हुए हो, अब समय आ गया धोखाधड़ी करने के लिए, तो हम लोग अपना गांव में ये कहते हैं इस तरह के लोगों को ये नमक हराम होते हैं। तो ये आजाद के साथ बंगाल में एक बात जोड़ते हैं कि आजाद को देखना चाहिए, आजाद है या बज्जात है।